वीडियो में एवरेज से रिलेटेड ये वीडियो है जो कि आपको एनटीपीसी एग्जाम ग्रुप डी और जेई के लिए मैं पढ़ा रही थी। तो इसमें एवरेज की मैंने वन वीडियो दे रखी है और ये उसका सेकंड पार्ट है। तो आइए देखते हैं एवरेज में इसका पहला क्वेश्चन। और आज कुछ बेसिक से क्वेश्चन है और बेसिक से क्वेश्चन में मैंने 15 क्वेश्चन लिए हैं ताकि जो इस पे आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप उसे बहुत ही ईजी वे में इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाते हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कहता है कि 6 संख्याओं का समानांतर माध्य 4.5 है, तो इन संख्याओं का कुल योग कितना होगा। तो यहाँ पे जब वैसा कंडीशन जब आपको माध्य यानी कि औसत दिया गया रहे, एवरेज दिया रहे और संख्याएं कितनी है वो दिया रहे और आपसे पूछे कि सबका टोटल योग कितना होगा, तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। जो औसत होता है, औसत और गुने परिणामों की संख्या यानी कि जितनी संख्याएं दी गई है, तो औसत है 4.5 और संख्याएं कितनी है 6। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना। एक अंक के बाद पॉइंट रखेंगे तो पॉइंट रख लिया हमने यहाँ पे, यानी कि 27 आ जाएगा इसका आंसर। यानी 6 संख्या जो दी गई है उन सबको अगर हम जोड़ते हैं तो 27 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या आपको निकालनी है। एक तो जो बेसिकली हम लोग जानते हैं उसके लिए हम क्या मानते हैं कि पहली संख्या x, फिर x प्लस 1, फिर x प्लस 2, इस तरीके से मानते हैं 7 संख्याएं और फिर बटे सबको जोड़ के बटे 7 करेंगे और इक्वल टू 20 इस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो काफी टाइम उसमें वेस्ट होता है। तो हम इसे जल्दी शॉर्ट तरीके से कैसे बनाते हैं। औसत मीन्स मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था, औसत मीन्स की होता है ये बीच की संख्या। तो बीच की संख्या जो है 20 दी गई है और संख्याएं कितनी है 7 है। जब ये बीच की संख्याएं हैं यानी कि 3 संख्याएं इधर होंगी और 3 संख्याएं इधर रही होंगी, तब ये होगा बीच का संख्या 20। अब कहता है इसमें से बड़ी संख्या, और क्रमागत संख्या का मतलब है कि 1, 2, 3, 4 इस तरीके से संख्याएं दी गई है। आपको सबसे बड़ी संख्या पूछी जा रही है यानी कि 20 के बाद ही रहा होगा बड़ी संख्या। तो यहाँ पे देखिए 21, 22, 23 यानी सबसे बड़ी संख्या कौन हो गई 23। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर इसमें सबसे छोटी संख्या पूछी गई रहती तो क्या करते हैं, इसके पहले आइए 19, इसके पहले 18 और इसके पहले 17, यानी सबसे छोटी संख्या इसमें हो जाएगी 17। इस तरीके से आप बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही कम टाइम में आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत 19 है, इसमें आपको बताना है सबसे छोटी संख्या। लगातार विषम संख्या, विषम संख्या का मतलब जैसे अगर बेसिकली बनाते हैं तो x, x प्लस 2, ऐसी संख्या x प्लस 4 ऐसे मानते हैं। विषम संख्या का मतलब जैसे कि 3 हो गया, उसके बाद 5, उसके बाद 7, ये हो गया विषम संख्या। तो इनका जो एवरेज दिया गया है 19, तो इसमें पूछा गया सबसे छोटी संख्या। देखिए ये बीच की संख्याएं हैं और 7 संख्याएं का मतलब 3 इधर होगा और 3 इधर और बाकी 1 ये 7। आपको सबसे छोटी संख्या के लिए बैक जाना होगा, तो इसके पहले जाइए। याद रहे कि सिर्फ विषम संख्या के बारे में कहा गया है, तो विषम संख्या के बीच का अंतर 2 होता है, तो 19 के पहले कौन सी विषम संख्या होगी 17, 17 के पहले कौन सी होगी 15, 15 के पहले क्या होगा 13। तो सबसे छोटी जो संख्या होगी कौन सी हो जाएगी 13, ऑप्शन नंबर ए। अगर सबसे बड़ी संख्या के बारे में पूछा गया रहता तब क्या करते, 19 के बाद क्या होगा 21, 21 के बाद 23, 23 के बाद क्या होगा 25, तो सबसे बड़ी संख्या 25 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 48 है, अब आपको बताना है कि सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या के बीच अंतर आपको बताना है। अब फिर हम इसे उसी मेथड से बनाएंगे। औसत मीन्स क्या, सबसे बीच वाली संख्या 48, लेकिन यहाँ 6 संख्याएं हैं और बात की गई है विषम संख्या की, लेकिन जो एवरेज दिया गया है ये दिया गया है आपका सम संख्या यानी कि इवन नंबर। तो इससे एक आगे चलेंगे हम तो विषम संख्या मिल जाएगा, इससे एक पीछे चलेंगे हम तो क्या मिल जाएगा, ये भी विषम संख्या मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 49 और यहाँ 47, अब इसे आप भूल जाइए। अब 6 संख्या है ना, तो ये 3 संख्या इधर हो गई और 3 संख्याएं
इधर हो जाएंगी, छह संख्या हो गई। अब कहता है सबसे छोटी और बड़ी संख्या के बीच का अंतर, तो 47, 47 के पहले कौन सी विषम संख्या रहेगी, 45, इसके पहले 43, फिर यहाँ पे आ जाइए 49 के बाद क्या आ जाएगा 51, 51 के बाद आ जाएगा क्या 53, तो सबसे छोटी संख्या 43 और सबसे बड़ी संख्या 53, तो आपको इनके दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे जैसे कि सम संख्या दे दी गई, तो हमने यहाँ पे तीन तीन इधर करके निकाल लिया, अगर विषम संख्याएं रहती तो, अगर विषम संख्या ऐसा दिया रहेगा तो यहाँ पे जो ऐसा दे दिया गया कि छह लगातार विषम संख्याओं का औसत इतना है, तो यहाँ पे ये इवन नंबर में डिजिट नहीं रहेगा। इसके पहले के क्वेश्चन में आपने देखा कि जब यहाँ पे इवन, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ बैक करके आपको, यहाँ पे देखिए सात लगातार विषम संख्याओं का औसत, यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है 19, जब अगर ये ऑड नंबर में रहेगा तो ये भी आपका ऑड नंबर में ही पूछेगा, तभी आप ऑड नंबर को बीच में रख के और तीन इधर संख्याएं मान सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको इवन नंबर में और पूछेगा ऑड नंबर वाला, तो वो भी आपका उसी तरीके से दिया हुआ रहेगा, एक जैसा नहीं दिया हुआ रहेगा। ओके देन अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 48 था सम संख्या, लेकिन विषम संख्या की बात कही जा रही थी, तो हम इसके एक आगे जाएंगे विषम संख्या और एक पीछे जाएंगे, और छह संख्याएं हैं तो टोटल इधर तीन और इधर तीन। अब आपको जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप उसका आंसर दे सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कहता है चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अब यहाँ पे देखिए सम संख्या के बारे में कहा गया है और औसत दिया गया है विषम संख्या में। मैंने कहा कि जब आपको यहाँ पे सम वाले की बात की गई और विषम में दे दिया गया, तो ये संख्याएं आपको हमेशा सम में ही दी जाएगी, ताकि क्यों, जैसे यहाँ पे देखिए बीच की संख्या 27 है और सम संख्या की बात कही गई, तो उसके लिए हम एक आगे जाएंगे 28 और एक पीछे जाएंगे 26। अब चार संख्या की बात कही गई है ना, तो दो संख्या और दो संख्या, यानी एक संख्या यहाँ लेंगे एक संख्या यहाँ लेंगे, तो दो और दो चार संख्याएं टोटल हो गई। अब इसमें से सबको सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, तो इसके पहले सम संख्या कौन क्या हो जाएगा 24, और इसके बाद की सम संख्या क्या हो जाएगी 30। तो अगर बड़ी संख्या पूछी गई रहती तो 30 आंसर होता, लेकिन यहाँ सबसे छोटी संख्या पूछी गई है तो 24 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि छह क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। छह क्रमागत सम संख्या का औसत दिया गया है, यहाँ पे भी देखिए 27 अगर दिया गया है ऑड में, तो यहाँ पे जो संख्याएं दी गई है वो इवन में है, तो फिर यहाँ पे 27 रखेंगे, सेम क्वेश्चन है, चार के जगह सिर्फ छह है। इसके आगे की संख्या लीजिए 28 और इसके पीछे की संख्या लीजिए 26। अब ये हो गई संख्याएं, छह संख्याएं, यानी कि यहाँ पे तीन संख्याएं होनी चाहिए, ये हो गई, यहाँ पे भी तीन संख्याएं होनी चाहिए, तीन हो गई। सबसे छोटी संख्या के लिए आपको बैक जाना होगा, यानी 26 के पहले क्या हो जाएगा 24, इसके पहले क्या हो जाएगा 22, इसके बाद क्या हो जाएगा 30 और इसके बाद हो जाएगा 32, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे हो गई 22, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगर लगेगा आपको कि बहुत मतलब बैक और दिया गया रहे, तो हम सबको ऐसे कैसे लिखते जाएंगे और एक एक करके पीछे, उसमें टाइम लगता है, उसके लिए आप एक और काम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए 26 था और आपको बैक की संख्या पूछी गई, बैक की संख्या का मतलब माइनस, और माइनस अगर छह संख्याएं हैं और छह में से यहाँ पे देखिए इसके पीछे, यहाँ पे ये जो संख्याएं हैं इसके पीछे कितनी संख्याएं होंगी, दो संख्याएं, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। और सम हो या विषम हो, सभी के बीच का अंतर क्या होता है, दो दो होता है, तब ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो हो गई संख्याओं की संख्या, यानी दो संख्याएं होंगी और कितने कितने का अंतर होता है, दो दो का अंतर, तो 26 में हम माइनस करेंगे 4, आंसर कितना आ जाएगा हमारा 22, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब इसके आगे की सबसे बड़ी संख्या निकालनी हो तो 28 लिखेंगे, इसके बाद कितनी संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं, तो यहाँ पे ऐड करेंगे हम, दो संख्याएं हैं और सबके बीच का अंतर कितना है, दो दो का, तो 28 और प्लस 4 करेंगे कितना हो जाएगा 32, आप इस तरीके से निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. दिया गया है कि ए बी सी तथा डी चार क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 42 है, तो बी तथा डी का गुणनफल ज्ञात करें. तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं. कहा चार संख्याएं दी गई है ए बी सी डी. अब इसमें कहता है ये, लेकिन ये विषम संख्याएं क्रमागत विषम संख्याओं का औसत दिया गया है 42. देखिए विषम संख्या की बात कही गई और दे दिया गया है औसत क्या सम संख्या में. इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके एक आगे जाएंगे तो 43 और एक बैक जाएंगे तो 41 हो गया. और टोटल संख्याएं दी गई है चार. अगर चार संख्याएं हैं मीन्स की दोनों साइड दो दो संख्याएं होंगी, ये हो गए चार संख्या टोटल. अब इसके पहले की विषम संख्या क्या हो जाएगी 39 और इसके पहले की विषम संख्या क्या हो जाएगी, ये सॉरी इसके आगे की विषम संख्या 45 हो जाएगी. अब आपको कहा गया है बी और डी. बी और डी अब क्या कैसे, देखिए ये ए और ये बी और ये सी और ये डी चार संख्याएं हो गई. आपको निकालना है बी और डी का गुणनफल, यानी इन दोनों का गुणनफल निकालना है. तो 41 × 45 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1845 आ जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कहता है छह लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 12.5 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है. कहा गया छह लगातार प्राकृत संख्या का औसत. अब देखिए अब तक तो एक्यूरेट था डिजिट, अब यहाँ पे पॉइंट में है तो पॉइंट वाले का हम कैसे निकालेंगे, ये भी बहुत इजी है. औसत दिया गया है 12.5 और छह लगातार प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से दिया गया है. ये है एवरेज. जब पॉइंट में दिया रहे एवरेज तब हम क्या करेंगे, इसके नजदीक के आगे वाली संख्या लेंगे तो 13 और इसके नजदीक के पीछे वाली संख्या लेंगे तो 12 हो जाएगा. अब छह संख्या का मतलब है कि दोनों साइड तीन तीन संख्याएं होनी चाहिए, तो हमने लिख दी. अब सबसे छोटी संख्या तो 12 के पहले 11 और 11 के पहले 10, यानी कि सबसे छोटी संख्या जो हो गई वो क्या हो गई 10. अगर सबसे बड़ी संख्या की बात की गई रहती तो 13 के बाद 14 और फिर 15, तो सबसे बड़ी संख्या 15 हो जाती. फिलहाल यहाँ सबसे छोटी संख्या के बारे में पूछा गया है तो 10 हो जाएगा इसका आंसर. अगला सवाल देखते हैं. कहता है सात के प्रथम पांच गुणज का औसत क्या है. सात के प्रथम पांच गुणज, तो सात का प्रथम पांच गुणज कहने का मतलब है कि जैसे कि हम 7 का अगर टेबल लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं 7 फिर 14 फिर 21, ये हो गया प्रथम पांच गुणज. तो इसी में कहता है कि पांच गुणज का औसत निकालना है. तो अगर आप लिखते जाएंगे तो ये 28, 35 इतना का आपको निकालना होगा एवरेज, सबको जोड़ के और फिर कर देना होगा क्या, भागा करेंगे पांच से तो निकलेगा हमारा औसत. तो उतना नहीं निकालना है. जब मैंने कहा जब अंतर हमेशा इक्वल हो, सभी में अंतर देखिए 7-7 का अंतर दिया गया है, जब अंतर समान हो तो उसके लिए सबसे आसान सा तरीका सबसे पहली संख्या लिखेंगे और सबसे अंतिम संख्या इतना लिखने की जरूरत नहीं थी. सबसे अंतिम संख्या क्या हो जाएगी 7 × 5 = 35, तो पहली संख्या और अंतिम संख्या बटे कर देंगे 2. इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना 42 आ जाएगा बटे 2, और इसे जब हम भागा लगाएंगे तो कितने टाइम में कटेगा 21 टाइम में. तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. दिया गया है पांच क्रमिक विषम संख्याओं का औसत सबसे बड़ी संख्या का 84% है, इनमें से पहली दो संख्याओं का योग कितना होगा. तो चलिए इसे थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा. तो पांच क्रमिक विषम संख्या का मतलब कि x फिर x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 और x प्लस 8, ये हो गई टोटल 5 संख्याएं. इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, ये वाली. तो कहता है इसका जो सभी का औसत है ना, सबसे बड़ी संख्या का 84% है. तो चलिए इसका जब औसत निकालेंगे तो सबको ऐड करना पड़ेगा. जब सभी को आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5x + 20 और बटे हमें करना होगा 5 से डिवाइड, क्योंकि 5 संख्याएं थी. अब ये निकल गया औसत और इसके बारे में कहा गया कि ये औसत जो है सबसे बड़ी संख्या का 84% है, ये दिया गया. अब इसमें सॉल्व करके हमें निकालना होगा x का मान. तो इसमें x का मान नहीं पूछा गया, जबकि इसमें पूछा गया है कि पहली दो संख्याओं का योग, यानी कि इन दो संख्याओं का योग पूछा गया. तो x का मान सबसे पहले निकालना है. इसे कट करेंगे 20 टाइम में, क्रॉस में मल्टीप्लाई करें
तो कितना हो जाएगा 100x प्लस 400, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 84x प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा 672। अब यहाँ पे क्या करते हैं, x वाले को एक साइड कर देते हैं, एक साइड करेंगे तो कितना बचेगा 16x इक्वल टू, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 272, ये कट हो जाएगा कितने टाइम में, 17 टाइम में, 17 हो गया। जब क्रमिक विषम संख्या है तो 17 के बाद ऑब्वियसली 19 ही आएगा, और यहाँ पे पुट करके भी देखिए तो 17 और इसमें प्लस 2 करेंगे तो 19, तो दोनों संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 5 संख्याओं का औसत 15 है तथा सभी संख्याओं को 5 से भागा दिया जाए तो प्राप्त संख्या का औसत क्या होगा। मैंने इस तरह का क्वेश्चन बताया था आपको टेस्ट सीरीज में, तो यहाँ भी ये क्वेश्चन आ गया है, 5 संख्याओं का औसत 15 दिया गया है और कहा गया कि अगर सभी संख्याओं में 5 से भागा लगा दें तब जब उसके बाद औसत निकालेंगे तो औसत क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे इजी वे में जितने भी औसत दिए गए हैं और कहा गया क्या भाग लगाना है तो उसी में हम भाग लगा देंगे, जिससे भी भाग लगाने के लिए कहा गया। तो 15 है औसत, कहता है 5 से भाग लगाएंगे तो औसत क्या हो जाएगा, तो औसत और बटे 5 कर देंगे, डिवाइड कर दिए, कितना आ गया आंसर हमारा, ये आ गया 3, तो यही 3 हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है 10 संख्याओं का औसत 12 है और सभी संख्याओं में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, बस पहले वाले क्वेश्चन में भागा करना था और इसमें जोड़ करना है, तो फिर औसत जो दिया गया है उसी में हम ऐड करेंगे जितना ऐड करने के लिए कहा गया, तो 14 आ जाएगा और यही 14 हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगर यहाँ कहा गया रहता कि अगर सभी संख्याओं में 2 से गुना कर दें तो तब आप उसमें 2 से गुना कर देते औसत में, अगर कहा जाता कि सभी संख्याओं में 2 घटा दिया जाए तब औसत क्या होगा, तो हम औसत में 2 घटा देते, जो भी करने के लिए कहा जाएगा हम सिर्फ औसत में ही करेंगे, बस डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता 5 क्रमागत संख्याओं का औसत m है और इनमें आगे की 3 और संख्याओं को सम्मिलित किए जाने पर औसत में क्या होगा। 5 क्रमागत संख्याएं दी गई है लगातार और औसत दिया गया है m, और कहता है जब अगली हम 3 संख्याओं को और लेते हैं तब जो है इसके औसत में क्या होगा। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि इतने क्रमागत संख्याओं का औसत दिया गया हो और कहा जाए 3 संख्याएं और इसमें शामिल कर ली जाए तब इस वैसी कंडीशन में औसत क्या होगा, तो जितनी संख्याएं शामिल की जाएगी, यहाँ पे 3 संख्याएं शामिल की जा रही है, उसी का आधा कर देंगे वही हो जाएगा उसका आंसर। तो आधा करने पे कितना आ गया 1.5, तो 1.5 की हो जाएगी वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहा गया कि 5 संख्याओं का औसत 30 है, एक संख्या और संख्या को सम्मिलित कर देने पर, मतलब कि एक और संख्या को सम्मिलित कर देने पर औसत में 5% की वृद्धि हो जाती है, तब नई संख्या क्या होगी, तो इसे हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 5 संख्याओं का औसत अगर है 30 तो अगर योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 150। अब औसत में वृद्धि कर दी गई है 5 की, औसत था 30, 5 की वृद्धि कर दी गई, यानी कि 105% हो गया। जब 105% हो जाएगा तब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 31.5। देखिए पहले था 30, अब हो गया 31.5। तो पूछा गया नई संख्या क्या होगी, तो 5 संख्याएं थी, एक संख्या और शामिल होने के बाद ऐसा हुआ है, यानी कि 6 संख्याएं, तो 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेंगे। योग कैसे निकालते हैं, औसत और गुने दी गई संख्या, तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 189 आ जाएगा। अब देखिए 5 संख्याओं का योग 150 और 6 संख्याओं का योग 189, तो नई संख्या क्या हो जाएगी, माइनस कर देंगे, 189 में 150 को माइनस कर दिया तो आ गया 39, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया है कि 5 क्रमागत विषम संख्या ए बी सी डी तथा ई का औसत क्या होगा। ऐसे कंडीशन में या तो क्रमागत विषम पूछे या सम पूछे, दोनों के लिए हम इस तरीके का ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। इसमें मैंने 5 ऑप्शन रखे हैं और ये 5ों के 5ों सही हैं। ओके,
तो मैंने सब सिर्फ समझाने के लिए रखा था, इसमें पांचवा ऑप्शन भी मुझे देना चाहिए था बनाने के लिए, बट मैंने नहीं दिया। तो समझ लीजिए, जब भी लगातार पांच विषम या फिर सम संख्याएं दी गई होती है और तब औसत पूछा जाता है, तो सबसे पहला रूल तो आप जानते हैं, सभी संख्याओं को जोड़ के और जितनी संख्या दी गई है उससे कर देना है भागा, तो निकल जाएगा औसत, जैसा कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। दूसरा क्या कर सकते हैं, पहली संख्या जो दी गई है, पहली संख्या उसमें पांच संख्याओं का अगर पूछा गया है तो उससे एक कम, यानी पहली संख्या को छोड़कर जितनी संख्याएं बच गई है, कि अगर मान लिया पांच था तो इसमें से पहली संख्या ले लिया हमने, संख्याएं कितनी बच गई, चार, तो इसमें चार जोड़ देना है, यानी पहली संख्या थी ए, तो ए प्लस फोर, ये भी इसका औसत निकल जाएगा। कब कंडीशन है कि क्रमागत विषम या फिर सम होना चाहिए, तो इसके लिए ये भी आंसर सही हो गया। अब दूसरा क्या है, अंतिम जो संख्या दी गई है और उसमें क्या करना है, माइनस कर देना है आपको फोर, क्योंकि पांच संख्याएं थी, अब इसमें से माइनस कर देना है क्योंकि इसके पीछे चार संख्या है, तो चार आपको माइनस कर देना है। अंतिम संख्या ई, इसमें माइनस किया हमने फोर, तो इसके अनुसार ये भी सही है। अब अगला क्या है कि पांच लगातार विषम संख्याएं जो भी दी गई है, आपको सबसे बीच वाली संख्या सिर्फ लिख देना है, वही उसका औसत है। तो औसत कितनी दी गई है, सी, तो सी ही हो जाएगा इसका औसत। ओके, चलिए नेक्स्ट कुछ। अब यहाँ पे सवाल आपके मन में ये भी हो सकता है कि मान लिया जाए ऐसा, अगर छह संख्या दिया हुआ रहे कि इस तरीके से छह संख्याएं दी गई है, ओके, अब इसमें से बीच वाली संख्या को हम कैसे निकालेंगे, तो आप दो इधर छोड़ दीजिए, दो इधर, इन दोनों का एवरेज निकाल लीजिए, इन दोनों के बीच की संख्या निकाल लीजिए, वही हो जाएगा उसका औसत। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो दिया गया है ए प्लस ई बटे टू, जो कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया है कि जब लगातार अंतर हो संख्याओं के बीच, तो उसके लिए सबसे इजी वे में पहली संख्या और प्लस अंतिम संख्या और बटे कर क्या कर देंगे, टू। तो पहली संख्या ए, अंतिम संख्या ई, और बटे कर देंगे टू, जो कि पांचवे ऑप्शन में भी दिया गया है। तो इस तरीके से 15 क्वेश्चन जो बिल्कुल इजी वे में थे और बहुत ही वन लाइनर टाइप के थे, तो वो मैंने सॉल्व करा। इसके आगे की जो वीडियो होगी, अब इसका लेवल थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज करता जाएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दें, कमेंट करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।